50mm का लेंस अपने साथ लेके आया हूँ। तो आज मैं सिनेमैटिक जो वीडियो होती है वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मेरे पास कोई गिम्बल सिम्बल, कोई ओसमो, कोई स्टेबलाइजर वो नहीं है मेरे पास, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी मैं फिलहाल अपना देसी तरीका इस्तेमाल करूँगा। ये भी लोग जो है स्टोरी बेस होगा, इसमें आपको सिनेमैटिक सीक्वेंस भी मिलेगी, इसमें आपको थोड़ा सा लेसन भी मैं दूँगा आपके कॉन्टेंट के मुताबिक। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे। और जो बात है कि 400 सब्सक्राइबर्स हमने कर लिए हैं, आपको भी मुबारक और मुझे भी मुबारक। आपका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे जहाँ तक सपोर्ट किया, और बहुत अच्छी बात है कि हमने 400 सब्सक्राइबर्स जो है इससे पहले गेन कर लिए हैं। कि क्योंकि मुझे भी कुछ चाहिए थोड़ी सी ब्रेक, इसके बाद मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगा। ये शायद इसकी रीज़न ये है कि सेकंड ईयर के मैंने अभी देने एग्ज़ाम्स, और सेकंड ईयर के जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ अपलोड किया करूँगा। और क्या था, और बाकी बातें बाद में करते हैं। माहौल चेंज करना पड़ेगा, सेम लोकेशन होगी तो ज़रा आप और व्यू हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है, मैं कुछ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान में तो मेरे काफ़ी अच्छे मेरे फेवरेट हैं व्लॉगर्स की जो कैटेगरी में आते हैं, उनमें इरफान जुनेद जो भी हैं, स्किट्स की जो आती है कैटेगरी में आता है बेकार फिल्म्स और कराची वाइंस वगैरह। तो जो मैं मेन डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मेरे आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री हैं। तो उनमें जिनका मैं वर्क फॉलो करता हूँ, या जिनको कहने कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कॉपी करना, ना कि कॉपी करना नामुमकिन है, नहीं नामुमकिन नहीं, मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपना कंटेंट बेहतर करने की, वो वाले यूट्यूबर्स हैं। पहले नंबर पे हैं पीटर मिकिनन, दूसरे नंबर पे हैं ओर्टेगा, जॉन ओर्टेगा इंस्टाग्राम के नाम है, लेकिन वो जॉन ओल्सन के व्लॉग्स की डायरेक्शन करते हैं। इसका मतलब है कि वो उसके व्लॉग्स की एडिटिंग करते हैं। मेन चैनल है जॉन ओल्सन, इसके व्लॉग्स देखता हूँ, उसमें सिनेमाटोग्राफी स्लो मोशन सीक्वेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक और है वो है सैम कोल्डर, पता होगा आपको, उसकी एक वीडियो ही जो है ना वो बहुत ही कमाल की होती है, आती बहुत देर बाद है, अपलोड बहुत देर बाद करता है, लेकिन उसकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। बेसिकली जो पीटर मिकिनन है ना, उसकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी वीडियोज़ मैं देखता हूँ और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि अब मैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। हमारे कॉलेज वालों ने हमें फेयरवेल के पासेस तो दे दिए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कुछ दिनों तक, 3-4 दिन बाद, तो हम उधर भी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, और जो वीडियो बनेगी वो हम आपको दिखाएंगे। फेयरवेल दरअसल है फ्लैटिस होटल में, फ्लैटिस होटल आपको पता ही होगा बहुत अच्छा होटल है, जाके पता चलेगा कैसा। वैसे पाकिस्तान में भी ज़्यादातर होता है कि काफ़ी जगह पर वीडियो अलाउड नहीं होती। खैर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उधर वीडियो बनाएंगे। फेयरवेल है, वहाँ पर शोज़ होंगे, काफ़ी कहने के ड्रामेटिक शॉर्ट्स होंगे, और ड्रामेटिक ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ पे काफ़ी ड्रामा होंगे और ड्रामे वगैरह जो होते हैं डांस ये, तो वो थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो आउट ऑफ इंटरेस्ट चली जाएगी। हम आए थे ज़रा यहाँ पर फ्लैटिस होटल फेयरवेल पर, और यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूँ हैं, और हम आपको दिखाते हैं अब आपको बी रोल्स। Thank you.
प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अभी खाना वगैरह चल रहा है, खाना चल रहा है, तो उसके बाद फिर हम दोस्तों के साथ फोटोशूट करेंगे। आ रहे हैं बाहर, बाहर आ रहे हैं। एक मिनट, मैं एक रुकी ले ले और यार वो बना देगा ना पियो क्या शामिल करें। ये मेरे लोग में आना चाह रहे हैं, कुछ तो कह दो। अरे हमारी फेवरेट पार्टी थी, बहुत मज़ा आया था। हाँ जी, बस मज़ा आया, चलो मज़ा आ गया। दोस्त की तरफ, एक्चुअली इसकी बर्थडे थी आज, सुबह अंडे वाला सीन हो गया जो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। पीछे वाला शॉपर भी दिखा, ओ शाबाश, ये सारे अंडे आज ईशान को पढ़ने हैं। अम्बू देखो नहीं, सॉरी आज का आज इसको बांधना पड़े, तेरी भी ले ले सामने, बिफोर एंड आफ्टर। जाती तो हो गई, अब इसका बर्थडे का केक कटेगा और साथ ही हम बारबेक्यू करेंगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू। तो उसके वीडियोस तो बनते हैं, तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं, चेक दिस।